तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक किंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। और बर्थडे के दिन खाने में किंग का सेफ उसको रंग बिरंगे बिस्कुट देता है और किंग जैसे ही उन बिस्कुट को खाने की कोशिश करता है उन बिस्कुट में जान आ जाती है और वो टेबल पर इधर उधर भागने लगते है और वो कुकीज जिस भी डिश से टकरा रही थी उसमें जान आ जा रही थी। तभी एक कुकी जाकर नूडल से टकरा जाती है और वो नूडल एक मम्मी में बदल जाता है और वो नूडल किंग को बांध कर अपने साथ में लेकर चला जाता है। अब इसको देखकर वहाँ के गार्ड इस बात के बारे में जाकर प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं और बोलते हैं कि किंग को मैजिकल नूडल ने किडनैप कर लिया है। अब इस बात को सुनकर प्राइम मिनिस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और गार्ड से बोलता है कि इस बात के बारे में सिटी में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से सिटी में भगदड़ मच सकती थी। इस पर वो गार्ड प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं कि आखिर किंग को कौन बचाएगा। इस पर प्राइम मिनिस्टर उसको बताता है कि तुमको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये काम सीक्रेट मैजिक कंट्रोल की टीम करेगी और SMCA एक ऐसी एजेंसी थी जो हर एक मैजिक करने वाले पर्सन पर अपना नजर बनाकर रखती थी ताकि मैजिशियन अपने मैजिक का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसके बाद हम SMCA की एक एजेंट को देखते है जिसका नाम ग्रीडल था जो कि एक मैजिशियन को एक्सपोज कर देती है क्योंकि वो इनलीगल तरीके से क्रिएचर को कैद करके रख रहा होता है। इसके बाद ग्रीडल उन सभी को आजाद कर देती है। अब आजाद होने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम उनके बीच में एक मरमेट को देखते हैं जो कि ग्रीडल को अपना लॉकेट उपहार के रूप में दे देती है। इसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि SMCA के हेड से बोलते हैं कि किंग के किडनैप होने के बात को फैलने से पहले तुमको किंग को खोजना होगा और बताता है कि 3 दिन बाद किंग का बर्थडे है और अगर किंग वापस नहीं आए तो राज्य में कोहराम मच जाएगा। इसके बाद वो SMCA के हेड को एक सजेशन देते हैं और किसी एक्सपर्ट चोर की मदद लेने को बोलते हैं। इस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग मास्टर हंसल का नाम लेते हैं क्योंकि हंसल ने दिन में ही राजा का स्टैचू चुरा लिया था। इस पर SMCA की हेड प्राइम मिनिस्टर को इसके लिए मना कर देती है पर मिनिस्टर के बार बार मनाने पर वो मान जाती है और वो हंसल को पकड़ने के लिए ग्रीडल को भेज देती है। ये देखकर प्राइम मिनिस्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्रीडल हंसल की बहन थी। इस पर SMCA की हेड प्राइम मिनिस्टर को बताती है कि ग्रीडल कभी भी अपने काम के बीच में अपने फैमिली को नहीं लाती है। इसके बाद हम हंसल को देखते हैं जो कि अपना फेक मैजिक परफॉर्म कर रहा था और वो इससे काफी ज्यादा पैसा कमा लेता है पर हंसल काफी ज्यादा होनेस्ट पर्सन था क्योंकि शो के बाद एक लेडी अपने बहन को लेकर उसके पास में आती है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी जिस पर हंसल उसको काफी सारे पैसे दे देता है। अगले सीन में हम ग्रेडल को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और वो हंसल को अपने साथ में चलने को बोलती है जिस पर हंसल ग्रेडल से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो उससे नहीं बच पाता और ग्रीडल उसको पकड़ कर SMCA की हेडक्वार्टर में ले जाती है जहां पर वहां की हेड सभी बातों के बारे में हंसल को बताती है और उसको ग्रेडल के साथ में मिलकर किंग को बचाने को बोलती है। पर इस बात से ग्रेडल काफी ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसको लगता था कि हंसल एक निकम्मा पर्सन है। इस पर वो हेड उनको एक ऑफर देती है और बोलती है कि अगर तुम दोनों ने किंग को अगले 2 दिनों में वापस ले आए तो तुमको काफी ज्यादा खजाना मिलेगा और साथ ही वो हंसल को मैजिशियन का लाइसेंस भी देने को बोलती है और ग्रेडल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देने को बोलती है। अब इस बात को सुनकर वो दोनों ना चाहते हुए भी इस मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अपने लाइफ में इसी को अचीव करना चाहते थे। इसके बाद ग्रेडल हंसल को लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रूमेंट थे जिसको देखकर हंसल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं हम SMCA की एक एजेंट को देखते हैं जो कि मिशन में काम आने वाले काफी सारे गैजेट को उनको देती है जिसमें एक ऐसा ग्लास था जो कि छुपे हुए मैजिक को देख सकता था और एक ऐसा बॉल था जो कि किसी भी दीवार में होल कर सकता था। साथ ही वो उसको एक सायरन भी देती है जो कि आसपास मैजिक परफॉर्म होने पर ग्रीन से रेड हो जाता है। इसके बाद वो लड़की ग्रीडल को उस खाने का लिस्ट देती
मिलती है जो कि राजा ने गायब होने से पहले खाया था। अब इसको देखकर हंसल बोलता है कि मुझे लगता है कि ये काम एक लोकल पेस्ट्री शॉप का है, और इसके बाद वह ग्रेडल के साथ में उस शॉप पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम इलवीरा था, जो कि कोई पोषण बना रही थी और वो उस पोषण में कीड़े को भी मिलाती है। वहीं हम इलवीरा के सर्वेंट को देखते हैं जो कि बिस्कुट और कपकेक थे, जो कि इलवीरा का पूरा काम किया करते थे। अभी वो मैजिकल नूडल किंग को लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब किंग इस लेडी को देखकर पहचान जाता है, जो कि एक टाइम में किंग का सेफ हुआ करती थी, और खाने में ब्लैक मैजिक यूज करने की वजह से किंग ने उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था, और वो इसी बात का किंग से बदला ले रही थी। इस पर किंग इलवीरा को काफी सारे पैसे देने की बात करता है और उसको छोड़ने को बोलता है, पर उसका असली मकसद कुछ और ही था, और वो किंग को अपने वश में करके पूरे किंगडम पर राज करना चाहती थी। इसके बाद हम ग्रीडल और हंसल को देखते हैं जो कि एक पेस्ट्री शॉप में आए थे, जहां पर वो चलते फिरते कपकेक को देखते हैं। तभी ग्रीडल को वहां पर एक खुफिया कमरा दिखाई देता है, जिसके बाद वो हंसल से उसके साथ में चलने को बोलती है, पर हम हंसल को देखते हैं जो कि उन कपकेक के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो कपकेक चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके आवाज को सुनकर वहां पर एक डॉग आ जाता है और वो हंसल को दौड़ाना स्टार्ट कर देता है। भागते भागते हंसल उसी कमरे में आ जाता है जहां पर ग्रीडल थी, पर तभी वहां पर डॉग भी आ जाता है, और उससे बचने के लिए हंसल ग्रीडल वाले सीढ़ी पर चढ़ जाता है, जिस पर वो डॉग उस सीढ़ी को घुमाने लगता है, और इसकी वजह से वहां की सभी पोषण वाली शीशी नीचे गिरकर टूट जाती है, और उन पोषण के रिएक्शन की वजह से वो सभी काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं। अब इसकी वजह से हंसल परेशान हो जाता है। इस पर ग्रीडल उसको बताती है कि हम बाबा यागा के बनाए हुए सीरम की वजह से छोटे हो गए हैं, और वो दोनों इससे निजात पाने के लिए SMCA की सीक्रेट हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, पर वहाँ पर उन दोनों को कोई भी नहीं पहचानता है, और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, जिस पर वो बार बार अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर वो हर बार फेल हो जाते हैं, और वहाँ के गार्ड उनको बाहर निकाल देते हैं। अब इससे ग्रीडल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और वो अब बाबा यागा को खोजने का डिसाइड करती है। इस पर हंसल उससे कहता है कि मैंने सुना है कि बाबा यागा बच्चों को खा जाती है, पर ग्रीडल के फोर्स करने पर वो दोनों एक साइकिल से बाबा यागा को खोजने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हंसल रास्ते भर स्टोन को फेंक रहा था ताकि उनको रास्ता आसानी से मिल जाए। थोड़ी देर के बाद वो बाबा यागा के घर के पास में पहुंच जाते हैं, पर बाबा यागा उनको कुछ भी नहीं करती और उनको अपने घर के अंदर ले जाती है, और साथ ही वो उनको खाने के लिए बिस्किट भी देती है। पर हंसल को बाबा यागा के मासूमियत पर शक हो जाता है और वो उस बिस्कुट को नहीं खाता है, पर ग्रीडल उन कुकीज को खा लेती है। पर तभी उसको अपने मैजिकल आईने से उस बिस्कुट में मैजिक दिखाई देती है, और वो समझ जाती है कि बाबा यागा उनको बेहोश करके उनको मारना चाहती है। इसीलिए वो सोने का बहाना करके हंसल और डॉग को लेकर एक कमरे में आ जाती है, और इसके बाद वो मैजिकल कुकी के बारे में हंसल को बता देती है, पर वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इस पर हंसल अपना दिमाग चलाता है और अपने फेक मैजिक से बाबा यागा को डरा देता है, और उससे उसका मूंजेम ले लेता है, और उसका यूज करके वो ग्रीडल को होश में ला देता है। पर तभी बाबा यागा को हंसल के बारे में पता चल जाता है, और वो उन दोनों को मारने के लिए उनके रूम में आते हैं, पर वो दोनों किसी तरह से वहाँ से भाग जाते हैं, और भागते समय उनका उड़ान तस्तरी एक पेड़ से टकरा जाता है, और वो जमीन पर गिर जाते हैं, और वो दोनों वहाँ पर मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हंसल ग्रीडल की डायरी को पढ़ने लगता है, और उसको पता चलता है कि ग्रीडल का सपना एक ग्रेट एजेंट बनने का है। इसके बाद हम इलवीरा को देखते हैं जो कि किंग को अपना मैजिकल बिस्कुट खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी वहाँ पर उसके कपकेक गार्ड आ जाते हैं, और वो उसको बताते हैं कि पेस्ट्री शॉप पर हमला हो चुका है। इसके बाद वो कपकेक ग्रीडल के एजेंसी के बैच को दिखाते हैं। वहीं इसको देखकर इलवीरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसको मारने के लिए एक बड़े से बॉल को भेज देती है। इसके
बाद हम हंसल और ग्रीडल को देखते हैं, जिनको एक ऑक्टोपस ने पकड़ लिया था क्योंकि वो उनको इलविरा का आदमी लग रहे थे। इसके बाद वो वहाँ के मरमेड क्वीन के सामने इन तीनों को पेश करता है, जिससे क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक से उन तीनों को मछली में बदलने वाली थी। पर तभी क्वीन की डॉटर ग्रीडल के पास में उसका लॉकेट दिखाई देता है और वो अपने मदर को बताती है कि ग्रीडल ने ही एक बार उसकी जान बचाई थी। इस पर क्वीन उनसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और वो उनको बताती है कि इलविरा के कपकेक ने हमारे वेनिला पोषण को चुरा लिया और इलविरा उसका यूज करके पूरे किंगडम पर राज करना चाहती है। वहीं मरमेड ने इलविरा के सभी कपकेक को कैद करके रखा था और वो सभी यहाँ पर पोषण चुराने के लिए आए थे। इसके बाद हंसल और ग्रीडल उन सभी को फ्री करा देते हैं और उनका पीछा करते हुए एक वीरान सी जगह पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर वो बड़ा बॉल भी आ जाता है जिसको इलविरा ने भेजा था और वो दोनों अपना दिमाग यूज करके उस बॉल को हरा देते हैं। पर इसकी वजह से हंसल पहाड़ से नीचे गिरने वाला था पर ग्रीडल उसको बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों एक पोर्टल से होकर जिंजल ब्रेड के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारे कपकेक गार्ड थे, जिस पर उनका डॉग उन सभी का ध्यान भटकाता है, जिसका फायदा उठाकर वो वहां के रेलगाड़ी में छिप जाते हैं और वो रेलगाड़ी सामने वाले बिल्डिंग में जा रही थी और वहीं पर किंग कैद था। वहीं जाते समय उनको फील होता है कि वो दोनों काफी अच्छे टीममेट हैं और वो दोनों एक दूसरे से अपनी दिल की बात को शेयर करते हैं। इसके बाद वो दोनों कपकेक के कपड़े पहनकर विला के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में किंग भी उनको मिल जाता है और हम किंग को देखते हैं जो कि इलविरा के लव कुकी को खा रहा था और वो इस टाइम इलविरा के प्यार में पागल हो गया था। और जब ग्रीडल उसको वापस चलने को बोलती है तो किंग वापस जाने से मना कर देता है। वहीं ये देखकर ग्रीडल को इलविरा के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो अपने कुकीज को पूरे शहर वासियों को खिलाना चाहती थी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसके बाद ग्रीडल किंग को कुकीज का लालच देकर उनके साथ में चलने को बोलती है, पर तभी किंग हंसल को पहचान जाता है और बोलता है कि ये तो वही चोर है जिसने मेरे स्टैचू को चुराया था। इसके बाद किंग गार्ड को वहाँ पर बुला लेता है। तो अभी वहाँ पर इलविरा भी आ जाती है और अपने गार्ड को बोलकर ग्रीडल और हंसल को कुकीज के चेंबर में डलवा देती है। वहीं इसकी वजह से ग्रीडल हंसल पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि हंसल की वजह से वो वहाँ पर फंस चुके थे। इस पर हंसल बोलता है कि जब हमारे पेरेंट्स मर गए तो अब हम काफी ज्यादा गरीब हो गए थे और मैंने चोरी करना इसीलिए स्टार्ट किया ताकि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकूं। अब इस बात को सुनकर ग्रीडल को अपने बिहेवियर पर पछतावा होता है और वो हंसल से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और इसके बाद वो दोनों एक गुब्बारे की मदद से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ग्रीडल लव कुकी के एंटीडोट को बनाने का डिसाइड करती है और थोड़ी ही देर में वो दोनों उसका एंटीडोट तैयार कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों एक ड्रैगन पर बैठकर महल की तरफ जाने लगते हैं। वहीं हम किंगडम का सीन देखते हैं जहां पर इलविरा ने अपने कुकीज की मदद से सभी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसके बाद हम हंसल और ग्रीडल को देखते हैं जो कि अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और वहां के गार्ड उनको पकड़ लेते हैं। इस पर हंसल उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने फेक मैजिक का यूज करता है, जिसका फायदा उठाकर ग्रीडल लव कुकी के एंटीडोट को किंग को लगा देती है, जिसके तुरंत बाद ही किंग होश में आ जाता है। पर फिर भी इलविरा किंग के क्राउन को पहन लेती है और सभी को अपने कंट्रोल में कर लेती है। वहीं हम ग्रीडल को देखते हैं जो कि कुकी मशीन में एंटीडोट डालने के लिए जा रही थी, पर तभी इलविरा हंसल को पकड़ लेती है और ग्रीडल से एंटीडोट वापस करने को बोलती है, नहीं तो मैं हंसल को इस मशीन में फेंक दूंगी। अब ग्रीडल तो वैसे कभी भी अपने फर्ज के बीच में अपने फैमिली को नहीं लाती है, पर वो इस बार हंसल के लिए मुंह बैक कर जाती है और एंटीडोट इलविरा को दे देती है। पर एंटीडोट मिलने के बाद भी इलविरा हंसल को उस मशीन में फेंक देती है और हंसल को बचाने के चक्कर में ग्रीडल भी उस मशीन में गिर जाती है। पर हंसल अपने बैलून डिवाइस का यूज करके वहाँ से बाहर आ जाता है और ग्रीडल इलविरा से एंटीडोट लेने की कोशिश
कोशिश करती है, जिसके दौरान इलवीरा खुद उस मशीन में गिर जाती है। इसके बाद ग्रीडल वहां के कुकी में एंटीडोट को मिला देती है, जिसको खाने के बाद सभी अपने होश में आ जाते हैं। किंग उनके काम से काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उन दोनों को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद हम अगले सीन में हंसल और ग्रेडल को देखते हैं, जिसको SMCA के एजेंट्स ने उनको ठीक कर दिया था। साथ ही किंग ग्रीडल को बेस्ट एजेंट का अवार्ड देते हैं और वहीं SMCA की हेड हंसल को मैजिक का लाइसेंस देती है, पर हंसल उसको लेने से मना कर देता है क्योंकि वो मैजिशियन नहीं था। इसके बाद SMCA की हेड ग्रीडल के पास में आती है और वो उसको एक और नए मिशन के बारे में बताती है। वहीं हंसल काफी ज्यादा उदास हो गया था और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। तभी ग्रीडल कहती है कि मैं अपने पार्टनर के बिना किसी भी मिशन को नहीं करूंगी। अब इस बात को सुनकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीडल अपना काम अकेले ही किया करती थी, पर अब वो भी अकेले काम कर कर के परेशान हो गई थी और वो अपने भाई के साथ में मिलकर काम करने का डिसाइड करती है। तो गाइस, अगर मूवी एक्सप्लेनेशन में मुझसे कहीं भी त्रुटि हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा था और मुझको अपने और भी दोनों चैनल्स के लिए वीडियो को एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझको थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। तो प्लीज माफ कर दीजिएगा और अगला मूवी एक्सप्लेनेशन इससे भी काफी अच्छा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।